नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी देहरादून में बुधवार शाम के भगवान राम के नाम पर भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। भजन संध्या में कन्हैया मित्तल और कैलाश खेर के भक्ति में गीतों की प्रस्तुति होगी। यह आयोजन देहरादून के बन्नू स्कूल में होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि यह एक बड़ा आयोजन होगा और सभी लोगों ने उन्होंने अपील की है कि वह इस भजन संध्या में शामिल हो। बिल्कुल, कल भी बहुत बड़ी अपना बन्नू स्कूल में भगवान राम कीर्तन की बहुत बड़ी संध्या है और मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। देहरादून से ही नहीं, उत्तराखंड की देवभूमि का हर मंदिर राममय होगा, राम कीर्तन से गुंजायमान होगा। बिल्कुल, कल भी बहुत बड़ी वही बीजेपी नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की मुश्किलें बढ़ी हैं। बीजेपी संगठन ने प्रणव सिंह चैंपियन को नोटिस दिया। 7 दिन में देना होगा चैंपियन को अनुशासनहीनता का जवाब। चैंपियन ने पूर्व मंत्री मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए थे। बता दें कि कौशिक पर विधानसभा चुनाव में भीतरघात का आरोप लगाया था। बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की मुश्किलें बढ़ी हैं और बीजेपी संगठन ने प्रणव सिंह चैंपियन को नोटिस दिया। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 7 दिन में देना होगा चैंपियन को अनुशासनहीनता का जवाब। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चैंपियन ने पूर्व मंत्री मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए थे। भीतरघात के आरोप कुंवर प्रणव सिंह ने लगाए थे। तो मदन कौशिक पर विधानसभा चुनाव में भीतरघात का आरोप लगाया गया था। वही लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी हुई है और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई जनसभाओं के आयोजन को लेकर केंद्र नेतृत्व का उत्तराखंड बीजेपी ने आग्रह किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरा माहौल भगवामय हो जाए, हर घर में कमल खिल जाए और हर परिवार हर घर से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान करने के लिए सहमत हो जाए और इसके लिए हम आगामी दिनों में कार्यक्रम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हमारी पांचों लोग, एक लोकसभा की रैली तो हमारी हो चुकी है, हमने कहा कि पांचों लोकसभा में प्रधानमंत्री की सभाएं हो। प्रधानमंत्री, हमने अपने राष्ट्र नेतृत्व से अनेकों सभाएं मांगी है और लोकसभा चुनाव से पूर्व एक भगवामय वातावरण बन जाए, भाजपा कमल हर घर में खिल जाए, हर परिवार से मतदाता निकलकर मोदी जी को प्रचंड मतदान देने में अपनी सहभागिता है, उसके सारे कार्यक्रम हम आगामी दिनों में कर रहे हैं। वही अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और अब इसमें एक नया मोड़ सामने आ गया। अंकिता के माता पिता की ओर से एक पत्र भेजकर आरएसएस के एक बड़े नेता के नाम को उजागर किया गया। इसको लेकर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि इस पूरे प्रकरण की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए और जो दोषी है उनको फांसी की सजा दिलाई जाए। वहीं इस मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि हर व्यक्ति की अपनी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, जिसके पास कोई सबूत है तो यह मामला न्यायालय में है और न्यायालय में उस सबूत को पेश करे। बिटिया की मृत्यु के बाद इस प्रकार का लालचन उस बिटिया पे ही लग रहा है और मेरा ये कहना है कि यहाँ की जो मातृ सबूत को माफ करेगी नहीं, आप पर जो भी तथ्य हो उनके परिवार लोगों से मेरा निवेदन है कि उनके पास कोई साक्ष्य तथ्य है तो उनको निश्चित रूप से न्यायालय में तथ्य रखना चाहिए और किसी व्यक्ति पर सीधा आरोप लगाना, कल के दिन हो सकता है कोई व्यक्ति, क्योंकि आखिरकार सबकी सामाजिक मर्यादाएं होती हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, समाज में मान सम्मान होता है, अच्छा लगेगा कि इस प्रकार के लोगों पर व्यक्ति मानहानि के मुकदमा करे, उससे और अपमानित होगा। देखिए, आज हम लोग यहाँ राज्यपाल महोदय को ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं। जैसे कि अंकिता हत्याकांड ने एक नया मोड़ लिया है और अंकिता के पीड़ित परिवार के पिताजी द्वारा एक पत्र लिखा गया है, माताजी द्वारा एक पत्र लिखा गया है, जिस पत्र में उन्होंने वीआईपी का नाम, जिस नाम को पूरा प्रदेश जानना चाहता था कि वो नाम कौन सा है जिसने पूरे प्रदेश को कलंकित करने का काम किया है, उस नाम पे उन्होंने एक नाम का खुलासा किया है जो आरएसएस के बड़े नेता हैं अजय सिंह। हम चाहते हैं कि पूरे प्रकरण में हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो और जो लोग इसमें संलिप्त हैं, जिन लोगों ने पूरे प्रदेश को कलंकित करने का काम किया है, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाए जाने और वीआईपी का नाम सार्वजनिक करने की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अंकिता के पिता ने वीआईपी के नाम का खुलासा करते हुए पौड़ी जनपद के डीएम को 6 जनवरी को पत्र प्रेषित कर दिया है, मगर उसी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस दौरान कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगत और राम दुलारे आरोपी जेल में बंद है और अभी हाल ही में चंपावत ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष का नाम भी दुष्कर्म में सामने आया। इससे यह साफ जाहिर है कि भाजपा दुष्कर्मियों की पार्टी है और जिस तरह से भाजपा बेटी बचाओ का नारा देती है, जबकि यह कहना चाहिए भाजपा के नेताओं से ही बेटी को बचाने की जरूरत है। जिला कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग नयननगर के द्वारा जो ज्ञापन जो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित है, ये इनके द्वारा मुझे दिया गया है, जिसमें लिखा है अंकिता भंडारी पिता के द्वारा पत्र मूल्य के हत्याकांड के शामिल वीआईपी लोगों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच के बारे में करने के संबंध में ये ज्ञापन अभी संबंधित जिलाधिकारी महोदय के द्वारा संबंधित जिलाधिकारी और महामहिम राज्यपाल महोदय प्रेषित किया गया। आज जिला कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग नरेंद्रनगर द्वारा नरेंद्रनगर में महामहिम राज्यपाल को एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें साफ साफ है कि आप देखेंगे कि सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से अंकिता के पिता की जो चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 19 सितंबर 2022 को ये घटना हुई थी और 4 दिन तक भी जो है एफआईआर नहीं लिखी गई थी। जब हम सब लोग कांग्रेस पार्टी और आम जनमानस सड़कों पर उतरा, फिर ये मामला आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाद रातों रात जिस तरह से बुलडोजर लेकर जो है जो साक्ष्य थे उनको मिटाने का काम धामी सरकार ने किया, और उसके बाद आज अंकिता के पिता ने साफ साफ उस पत्र में लिखा है कि उत्तराखंड में आरएसएस का जो राष्ट्रीय यहाँ पर जो संगठन महामंत्री है, जो अजय कुमार है, वो वीआईपी है, उसके बाद भी क्यों धामी सरकार चुप है, उस पर जांच क्यों नहीं करवाती है। अगर ये साफ है, ये सही है, तो उस पर जांच कराएं, और कहीं ना कहीं पूरी माँ बहनों के साथ आज उत्तराखंड में लगातार आप देखेंगे, चाहे उत्तरकाशी की आप घटनाएं देखिए, साथ साथ ऐसी बालिकाओं के साथ वहां पर बलात्कार होता है। आज जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भाजपा सरकार के अंतर्गत जिस तरह से नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून को जो है हथकंडा बनाया करके जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, उस सब से क्षुब्ध होकर के कांग्रेस पार्टी जो है इस सरकार के घमंड को चूर करने के लिए और अंकिता भंडारी के वाले मामले में अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आज सड़कों पर उतर रही है। आज हम सब लोग राज्यपाल को माननीय एसडीएम के माध्यम से जो ज्ञापन देने जा रहे हैं। नॉर्थन रेलवे एम्स यूनियन रूरकी के सैकड़ों कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान गुस्साए कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर यूनियन के शाखा अध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन नहीं दे रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि पुरानी पेंशन अगर जल्द से जल्द बहाल नहीं हुई तो सभी रेलवे कर्मचारी रेलवे का चक्का जाम करेंगे। हमारी मांग है पुरानी पेंशन बहाली के लिए, जो भारत सरकार ने 2004 में बंद की थी, उस समय भी बीजेपी की सरकार थी, और हमारे साथियों को ये एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम ये झुंझुना जो थमाया है भारत सरकार ने, जब तक इसको बंद करके और पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया जाता है, तब तक नॉर्दर्न रेलवे मैंस यूनियन ऑल इंडिया रेलवे मैंस फेडरेशन के महासचिव कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी के आह्वान पर हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। अभी हमारी 8 तारीख से लेके और 11 तारीख तक की ये भूख हड़ताल है, अगर इसके बाद भी भारत सरकार नहीं चेती तो हमारे मिश्रा जी के आह्वान पर हम रेल का चक्का जाम करने का काम भी करेंगे। रेल प्रशासन को कई बार चेतावनी दे चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, अब उन्होंने एक बार और मोदी सरकार को जगाने का काम किया है कि रेल कर्मचारी जो 40 साल और 45 साल अपनी रेल सेवा दे के देता है, उसके बाद भी उसे फिर रिटायर होने के बाद पेंशन नहीं मिलती, तो और जबकि यही मोदी सरकार जी हैं, अगर उनको पेंशन से इतनी घृणा है, मैं तो ये कहूँगा जब इतनी घृणा है तो उनका एक बार का विधायक, एक दिन का विधायक उसके लिए पेंशन, और वही विधायक चार बार चार योजना विधायक रह जाए तो चार पेंशन। हमारी मांग है पुरानी
मंडल मुख्यालय पौड़ी में संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार की ओर से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने का कार्य किया जा रहा है और इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में 192 नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को स्वास्थ्य मंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपे। वहीं सभी नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देते हुए उन्हें सेवा भाव के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। पूरे प्रदेश में लगभग 11,000 लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देने जा रहे हैं। 3,000 हम नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती वर्षवार कर रहे हैं और आज पौड़ी जिले में 243 नर्सिंग अधिकारियों को हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं और मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश में ये पहला मौका है कि जब हम इनकी नियुक्तियाँ वर्षवार कर रहे हैं। इसमें सारे लोग 2020 तक सभी लोगों को नौकरी मिल रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी और स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए हम लोग पूरे प्रदेश में के संस्थापक सदस्य एवं वरिष्ठ नेता स्वर्गीय देवेंद्र शास्त्री की पुण्यतिथि पर पार्टी मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि स्वर्गीय देवेंद्र शास्त्री उत्तराखंड राज्य की मांग उठाने वाले पहले राजनेता थे। बलबीर रोड स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हुए इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में स्वर्गीय देवेंद्र शास्त्री के चित्र पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो देवेंद्र शास्त्री को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। देखिए देवेंद्र शास्त्री जी उत्तराखंड के अंदर हमारे विचारों के वृक्ष थे। पहले संघ के प्रचारक के रूप में आपका उत्तराखंड में अपना स्थान था। वैचारिक दृष्टि से आज की पीढ़ी के कथाओं का मार्गदर्शन लंबे समय तक शास्त्री जी ने किया। आज उनकी 11वीं पुण्यतिथि थी। विकासनगर के कांचरा क्षेत्र में क्लोरीन सिलेंडर में लीकेज की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि बीती रात प्रेमनगर थाने के छाछरा क्षेत्र में खाली प्लॉट में रखे 2 क्लोरीन सिलेंडर लीक हो गए, जिस कारण लोगों को सांस में लेने में दिक्कत हो रही है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को तत्काल दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस टीम, NDRF, SDRF और फायर CBRN टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई। वहीं घटना की सूचना पर SSP अजय सिंह भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। SSP ने मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों को उनके घरों से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। झाजरा पड़ता है, यहाँ पर एक प्लॉट में गैस रिसाव की सूचना प्राप्त हुई थी रात्रि 3 बजे। तो चूंकि पहले जब पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे तो पता चला कि सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, इसमें हमारे फायर के और NDRF की जो है यूनिट को बुलाया गया और इन्होंने जब मास्क वगैरह पहन के चेक किया तो ये फ्लोरीन के सिलेंडर काफ़ी लगता है पुराने रखे हुए प्लॉट में और इनमें रिसाव हुआ है। अब किन परिस्थितियों में यहाँ रखे गए थे, कब से रखे गए, जांच का विषय है, लेकिन आसपास के लोगों को खाली करा दिया गया मकान को। देखिए यहाँ पे क्लोरीन गैस रिसाव की सूचना आई थी, उसके रिस्पॉन्स में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। SDRF भी है, फायर सर्विस भी है और जिला पुलिस से भी सभी लोग यहाँ पर हैं और उसी क्रम में यहाँ पर जो भी यहाँ से आपसी उससे जानकारी करने के बाद क्लोरीन गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी कार्रवाई की गई है वो कर दी गई है। लोगों को आसपास चेतावनी दे दी गई है और उनको यहाँ से खाली करा दिया गया है ताकि किसी को कोई